दोस्तों नमस्कार, ये हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं ऐड हुआ है इस टेलीग्राम के अंदर तो बिल्कुल ऐड हो जाइए। दोस्तों हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स प्रोवाइड कराए थे जिस स्टॉक्स के ऊपर, उसने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। आप देख सकते हैं डाटा मेटिक्स ग्लोबल को हमने बाय बोला था 305 रुपए के ऊपर, टारगेट 307 और 309 का हमने रखा था। वहीं चार्ट के ऊपर आप देखिए हाई इस स्टॉक्स ने पिछले दिन का जो बनाया हुआ है वह है 325 रुपए का हाई। दोस्तों इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है पिछले दिन, ये देखिए यहाँ पे ये प्राइस आ रहा है वह 325 रुपए का है। तो इसने भी हमारा जो टारगेट है ऑल टारगेट अचीव कर दिया है। देखिए क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है 315 रुपए के ऊपर। तो हमारे द्वारा जो भी लेवल्स प्रोवाइड कराए गए थे उनमें से पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक है दोस्तों KDDL लिमिटेड को हमने बाई बोला था 409 रुपए के ऊपर और हमारा टारगेट 414-412 इसका टारगेट था हमारे पास। इसने भी हमारा टारगेट जो है वह ऑल टारगेट अचीव किए हुए हैं। ये देखिए इसने जो हाई लगा के आया हुआ है 430 रुपए का। तो इस तरीके से दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर प्रॉपर चार्ट्स के साथ में प्राइस प्रोवाइड करा पाऊँ जिससे आप कुछ लर्न कर पाओ। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों हम अब चलेंगे आगे, बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। हम सबसे पहले देखेंगे आज का जो पिछला ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ उस दिन का टोटल कारोबार। तो सबसे पहले प्राइस को हमें देखने को मिल रहा है अभी 6628 रुपए का। बढ़त देखने को दोस्तों मिला है इस स्टॉक्स के ऊपर 19.80 रुपए का। यह स्टॉक ओपन हुआ था दोस्तों 6629.75 रुपए के प्राइस में। हाई देखने को मिला 6694 रुपए का, लो देखने को मिला हमें इसमें 6600 का। मार्केट कैप दोस्तों 1.99 लाख करोड़ है, पी रेशियो 39.01 है। पिछले दिन की क्लोजिंग की बात करें तो 6608 रुपए का है और 52 सप्ताह में हाई हमें देखने को मिला 8329 रुपए का। 52 सप्ताह का लो हमें देखने को मिला 6270 रुपए का। टोटल कारोबार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर ट्रेडिंग टाइम का है, मतलब पिछले ट्रेडिंग डे का है। अब हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में किस तरीके के मूवमेंट्स आ सकते हैं। इंट्राडे में मैं पहली बात करूंगा, इसके बाद हमारा जो व्यू रहेगा वह 3 से 5 दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिए आप कर सकते हो। फाइनली मैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पिछले वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए और सर्च करके देखिए। पिछला वीडियो में मैंने क्लियर बोला था कि आज थोड़ा सा बच के रहना है और यहाँ पे देखिए हमारे लेवल के आसपास यह आया ही नहीं, इसी बीच में फंस गया और प्रॉपर इसी बीच में ट्रेड हुआ और क्लोजिंग भी इसी बीच में हमें देखने को मिला। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अब हम जो सेल साइड हम सोच रहे हैं वह ज्यादा कंफर्म हमें देखने को मिल रहा है। रीजन है यहाँ पे देखिए गिरावट हुआ 2 कैंडल में, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल गया 1 कैंडल का, या इनसाइड इसको आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। तो यह कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में वापस से हमें सेल देखने को मिलेगा दोस्तों इंट्राडे के लिए। तो हम सेल करके इस स्टॉक्स को प्रॉपर जा सकते हैं। हमारा सेल प्राइस रहने वाला है 6590 रुपए का और इस दौरान हम दोस्तों स्टॉप लॉस अपना मेंशन रखेंगे ऊपर 6640 रुपए में और टारगेट हमारे पास जिस तरीके से रहते हैं 6540 का पहला और दूसरा टारगेट होगा 6490 का। ये जो मैंने लेवल्स प्रोवाइड कराया अभी वह 1:2 के रिस्क रिवार्ड के रेशियो के साथ में है। तो आप अपना जो भी प्लान बनाए होंगे या जिस तरीके से आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप बना के रखा होगा उसी को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओनली अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। यह रीजन है यहाँ पे देखिए, अगर यह कटता है ये प्राइस को, इस रेड कैंडल आप देख रहे हैं इसके लो के नीचे आता है प्राइस, तो एक मूवमेंट हमें देखने को वापस से मिल सकता है क्योंकि अभी बीच में यहाँ पे कहीं पर भी सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी सपोर्ट जोन है वह मैंने नीचे इसीलिए ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट जोन देखें तो यहाँ पर आ रहा है, इस आसपास आना चाहिए एक बार प्राइस, तो हमको फिर से एक बाउंस बैक हो सकता है देखने को मिले या कंटिन्यू करे इस सपोर्ट जोन के आसपास तक। तो प्रॉपर दोस्तों इंट्राडे के लिए मेरे द्वारा यही लेवल्स रहने वाले हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, तो इसको आप नोट आउट रख सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना व्यू बना सकते हैं।
ये हो गया दोस्तों इंट्राडे की बात। अब हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग या 3 से 5 दिन आने वाले मूवमेंट्स में क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास अभी जो प्रॉपर 3 या 5 दिन के लिए जो व्यू हम रख रहे हैं या जो भी इस सपोर्ट लाइन के नीचे पुट लेके रखे हैं वह प्रॉपर वेट कर सकते हैं यहाँ तक आने का। इस आसपास प्राइस मैं यहाँ पे बोलूँ तो 6,450 रुपये का ये प्राइस ऊपर में और दूसरा जो प्राइस है नीचे 6,350, मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट का ये एक रेंज है, ये सपोर्ट जोन आप इसको कह सकते हो 100 पॉइंट का, 6,450 और 6,350। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए या नेक्स्ट 3 से 5 दिन के अंदर के आने वाले प्राइस के लिए। तो हमारे पास अभी हमारा जो पुट लेके रखे हैं आप उसको अभी होल्ड कर रहे हैं और होल्ड कहाँ तक रखना है 6,450 एक बार आने दीजिए। यहाँ आने के बाद कोई आराम से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट होगा, हो सकता है डब्लू पैटर्न बना के हो निकले ऊपर या तो फिर इसी को रेंज बना के फिर से कट जाएगा नीचे के लिए। लेकिन अभी हमारे पास जो भी व्यू है वह इसी सपोर्ट लाइन तक आने का है, जब तक नहीं आता तब तक इसके आगे का हम नहीं सोच सकते। तो मेरा जो व्यू है ओनली सेल साइड के लिए है अभी 3 से 5 दिन के अंदर में भी, और इंट्राडे के लिए भी सेल का ही लेवल मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है और ये सपोर्ट एरिया था, ये नीचे ऊपर से नीचे जब आ रहा था तब के लिए। तो अभी यह इम्पोर्टेंट है कि ये सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग मिला है और इसके पास अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन जहाँ पे बन रहा है हमको देखने को मिल रहा है उसी आसपास तक आना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे अगर यह स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो आप इंट्राडे में अवॉइड करना है आपको। मैंने यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन कराया हुआ है 6,590 रुपये के नीचे अगर मिलता है स्टॉक आ जाता है गैप डाउन ओपन होता है तब इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उस दौरान हम फंस सकते हैं। मान लीजिए यह 6,550 इसी आसपास ओपन हो जाता है तब वापस से एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगा, फिर यह ऐसे अगर गिरता है कंटिन्यू करता है तो डाउन साइड आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा इस पीक पॉइंट पे पकड़ पाएं, जब यह अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है होने के बाद यह बाउंस बैक करे थोड़ा सा, करने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेज करेगा दोस्तों शॉर्ट टाइम फ्रेम में और यहीं से यह गिर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको पकड़ना है अगर यह गैप डाउन हो जाता है तब, या तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं आपके सोच के अनुरूप या आपके एनालिसिस के अनुरूप नहीं आ रहा है तो आप उस दिन अवॉइड कर सकते हैं। ज़बरदस्ती का घुसने से मार्केट के अंदर लॉस ही होता है दोस्तों, सभी जानते हैं, फिर भी जानबूझ के लोग घुसते हैं, उनको ट्रेड करने में मजा आता है एक्चुअली, पैसा गंवाने में या कमाने में मतलब नहीं है उसको। ऐसे लोगों को हम एडिक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, हो चुके हैं। तो आप भी अपने अंदर झांकिए, अपने आप को देखिए कि क्या आपको भी स्टॉक मार्केट का नशा तो नहीं हो गया है, आप भी एडिक्ट तो नहीं हो गए स्टॉक मार्केट से। अगर हो गए हैं तो सुधारिए, अपने माइंडसेट को ठीक कीजिए और प्रॉपर एक बिजनेस माइंड की तरह यहाँ पे वर्क कीजिए, छोटा छोटा रिस्क लीजिए, प्रॉफिट भी उसी के अनुरूप आता है और उसी के अनुरूप लेना सीखिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी सुझाव या जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।